तो चलिए आज हम बना रहे हैं कैन फिश। तो सबसे पहले ना हमें आलू को फ्राई कर लेना है। आलू को फ्राई करके हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद हमें साइड में रख देना है। फिर उसी कढ़ाई में तेल डाल के प्याज जो मैं डाल के थोड़ा पका लेना है। फिर कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल के थोड़ा पका लेना है। फिर हमें बेसिक से मसाले इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना हमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा भून लेना। उसके बाद मटर और आलू डाल के थोड़ा पका लेना। फिर थोड़ा सा पानी डालिए क्योंकि मसाला जले ना। फिर थोड़ा सा पकाने के बाद हमें वाटर डाल देना है, वो भी हॉट वाटर डालना है। डालने के बाद आलू पकने देना है। पकने के बाद हमने फिश को डाल देना है। फिश डालने के बाद थोड़ा टाइम बाद ही थोड़ा सा एक दो मिनट पकाने के बाद हमें टमाटर भी डाल देना है। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरीके से जब पक जाए तब हमें धनिया से गार्निश कर लेना है। और ये हमारा कैन फिश बनकर रेडी। अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू।